साउथ इंडियन फूड है। और आज जो है वो मैं आपको विजिट करा रहा हूँ डोसा पॉइंट भाद्राबाद का। भाद्राबाद पे डोसा पॉइंट के नाम से एक फूड कार्ट हुआ करता था, तहम अब इन्होंने जो है वो अपना एक रेस्टोरेंट भी ले लिया है जो कि भाद्राबाद क्लब के बिल्कुल सामने। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोसा की बात करते हैं, डोसा जो है वो बहुत सारे फ्लेवर्स में इनके पास दस्तयाब है। अदनान भाई से जो है वो हम आपकी बात भी कराएंगे, लेकिन पहले मैं इनके फ्लेवर्स के बारे में बता दूं कि डोसा के कौन कौन से फ्लेवर्स जो है वो इनके पास दस्तयाब है। आप अगर देखें तो मसाला डोसा आपको मिल सकता है, कीमा डोसा आपको मिलेगा, चिकन डोसा आपको मिलेगा, और इसके अलावा जो है वो कीमा डोसा भी आपको मिलेगा यहाँ पर। और साथ में जो ट्रेडिशनल इनका मसाला डोसा यानी आलू का डोसा होता है वो मिलेगा, सांभर मिलेगा। सांभर जो है वो डोसे के साथ सर्व की जाने वाली तरकारी है, उसको सांभर कहा जाता है। और साथ में कोकोनट की चटनी, जिसे कोकोनट और दही के साथ जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये सारे फ्लेवर्स इनके पास डोसा के मौजूद हैं। इसके अलावा अदनान भाई ने यहाँ पर अपने फूड कार्ट पर नहीं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो है वो पाव भाजी भी जो है इंट्रोड्यूस करा दी है। पाव भाजी जो है इनकी बड़ी लजीज है। बहरहाल अभी हम आपको दिखाते हैं, ये इस वक्त मसाला डोसा जो है वो एक बना रहे हैं अदनान भाई। मसाला डोसा बनाने के बाद हम इनसे बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने अरसे से जो है वो इस बिज़नेस के अंदर हैं और डोसा पॉइंट पे जो है वो क्या क्या अवेलेबल है, और सारी बातें जो है वो हम इनके साथ करेंगे। और उसके बाद सबसे आखिर में आपको खाने का रिव्यू भी देंगे। ये 96-97 में शुरू किया था मैंने, तो उस वक्त मैं होता था और एक मेरे छोटे भाई हैं, बस वही होते थे। अभी माशाल्लाह 8-10 लोगों का स्टाफ है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि कराची में डोसा के पायनियर्स में से हैं आप? जी, वन ऑफ देम। मैं नहीं कहूँगा, किसी का हक नहीं मारूंगा कि मैं किया होगा लोगों ने किसी ने, मगर अब मेरे पास एक्चुअली जो है ना वो थर्ड जनरेशन आ रही है, कि जैसे बाप बेटा आते थे, अब वो जो बेटा है उसके बच्चे आ रहे हैं। देखिए, इंडिया का फूड है ये, और इसमें जो है ये मसाला डोसा ही खाया जाता है जो पोटैटो से बनता है, मगर पाकिस्तान में जो है ना, सॉरी टू से वी आर नॉट वेजिटेरियन। आप जहाँ भी जाएँ तो आपको मीट के, जिस रेस्टोरेंट में आप जाओ तो आपको जो है वो नॉन वेज ही मिलेगा। वेजिटेबल फूड रेयर है बहुत। जैसे शुरू में तो मैंने 6-7 किस्म के रखे, तो वो लोगों ने जैसे मिक्स वेजिटेबल रखा, वो भी बटर में बनाता था मैं, सही है। तो वो मतलब वेजिटेबल वेजिटेरियन मैंने आपको बताया है नहीं, तो लोगों ने नहीं किया, मैंने उसको माइनस कर दिया। मैंने फिश रखा, तो फिश डोसा भी नहीं समझ में आया लोगों को, और मुख्तलिफ थे। एग रखा, मगर जो चले वो यही चले, मसाला डोसा चला, कीमा चला और चिकन चला। तो जो बेसिक चल रहा था मैं उसी को कंटिन्यू, मैंने वेस्ट करना बना के, तो वो सारा वेस्ट हो जाता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग आ रहे हैं वो आज तक आ रहे हैं। अब जो थे पाव भाजी जिसने खाई है, अभी आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा, ये लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा, ये होम मेड है, घर से बना के ला रहा हूँ मैं, और यहाँ पर इसको गर्म करके बटर लगा के, और जो उसका तरीक़ेकार है कि 500 का मसाला डोसा है और 600 का चिकन है, 600 का कीमा है, पाव भाजी अभी इंट्रोड्यूसिंग है वो 400 की है, और जिस हिसाब से आप देखेंगे कि वो उसमें बटर और वो सारी जो उसकी मेकिंग है वो बड़ा ठीक ठाक उसमें। ये जो मेरा रेस्टोरेंट है, ये आप अगर आ रहे हैं चार मीनार राउंड अबाउट पे, अगर आप पहुंच गए तो आप सियालकोट मिल्क वाले की तरफ, आप अगर आपका रुख है तो आप एक गली छोड़ के दूसरी गली में लेफ्ट टर्न करेंगे तो आपको भाद्राबाद क्लब आ जाएगा। बहुत ईजी है भाद्राबाद क्लब, ये जब से भाद्राबाद बना है तो ये सोसाइटी का क्लब है, तो ये हर कोई जानता है भाद्राबाद क्लब के जस्ट अपोजिट। तो बहुत ईजी है, तो जिनको शौक है वो आए ट्राई करें, और हेल्दी फूड है और हर चीज़ ब्रांडेड और हर चीज़ साफ़ सुथरी आपके सामने ही बन रही है, और आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और ये छोटा सा इन्वायरमेंट बनाया है फैमिली के लिए। I'm not afraid to die.
बहुत ही कमाल है, जब तक ये आलू के साथ है। कीमे वाला और चिकन वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया दानिश भाई, ये आप ट्राई करें। और ये जो है ना पाव भाजी, ओ हो हो, मक्खन के साथ तो मैं कह रहा हूँ मक्खन वाला काम है ये फुल भाई। ये बन गया, देखें अभी हमको खा रहे हैं, बेहतरीन, बहुत ही कमाल। सीरियसली मतलब जब मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो मैं ज़बरदस्त ज़रूर बोलता हूँ। अब किसी के खाने को ये तो नहीं जाके बोल सकते कभी बहुत अच्छा नहीं लगता तो ये बोल, तो यार बस ठीक है, खाने को बुरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन मज़ा आ गया। बाकी अब दानिश भाई से पूछते हैं। अच्छा भाई, वीडियो आपने शुरू में सारी देखी है, डोसा पॉइंट है। डोसा पॉइंट जो है वन ऑफ दी पायनियर है कराची में डोसा इंट्रोड्यूस कराने के लिए। अच्छा, डोसा जो चूँकि साउथ इंडियन डिश है और साउथ इंडिया में जो ट्रेडिशनल डोसा है वो होता है आलू वाला, ये आलू वाला डोसा है। और इसके साथ ही जो है वो मुख्तलिफ जो है इन्होंने बहुत सारे उसमें इंट्रोड्यूस कराए, जैसे चिकन है, कीमा है, और अब तो पाव भाजी भी आ गई है, क्या बात। तो आलू डोसा जो है वो ट्राई करते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल डोसा है, तो सबसे पहले इसी को ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सांभर है और मैं वैसे कोकोनट की चटनी के साथ इसको ट्राई करूँगा पहले। दम है डोसे में तो बहुत दम है, लेकिन हम थोड़ा स्पाइसी खाने वाले हैं तो ये ग्रीन चटनी मेरे ख्याल में मज़ा करेगी इसके साथ। आहा, ग्रीन चटनी के साथ बहुत आला लग रहा है। ओहो, इसी बात है, फिर ये एक चिकन या बीफ भी हो जाए। ये क्या है वल्लाह आलम इसके अंदर, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, आगे देख लीजिएगा खुद ही निकल। बिस्मिल्लाह, ओहो, कीमा है, कीमा, ये चटनी देखिए भाई, लाजवाब, बहुत लाजवाब, एक दफा और खाऊंगा। यकीन नहीं आ रहा आपको टेस्ट। डोसा मैंने पहले भी ट्राई किया है, ये बड़ा डिफरेंट है। अब उससे ओरिजिनल डोसा से करीब तर कौन सी चीज़ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पहले वाले से बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने जो डोसा खाया था उसकी थिन, बहुत थिन थी उसकी डो ना, ये खाने जैसी नहीं थी। ये संजय दत्त ने बनाया आपके लिए। वास्तव पाव भाजी, ये वास्तव में होता ना यार, ये हाँ रघु, दो मस्का मार के, मस्का किसको बोलते हैं, बटर, 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 बटर मार के, बटर मस्का ही मारा हुआ है। बिस्मिल्लाह, आपने कभी किसी को मस्का मारा? बेगम को मारना पड़ता है कभी कभी। बिस्मिल्लाह, यार जवाब नहीं यार, बाखुदा मतलब मुझे ये, मैंने खारा दर में भी खाया लेकिन जो यहाँ पे जो इसका टेस्ट है जी, उसका जवाब नहीं है। फुल हाइजीनिक, हाइजीनिक तो है ही, लेकिन जायका बड़ा मज़े का है, मतलब जो कराची वालों जैसा है। हाँ, क्या पास, क्या चीज़ ज़्यादा दिल को छुई, ये या ये या ये? यार सच्ची बात बताऊँ, मुझे मक्खन बहुत पसंद है और ये बड़ा रिच फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर ना, ज़बरदस्त फुल मक्खन लगा दिया, मतलब अदनान भाई ने। पाव में भी मक्खन है जी। और भाजी में भी मक्खन है। वाह जी वाह, मक्खन मक्खन हो गया, मक्खन मक्खन हो गया, भाजी बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई। मैं दोबारा इसको और खाए ना, फिर क्यों रुके सर, मैं इसको चटनी के साथ ट्राई करता हूँ। चटनी के साथ ट्राई करूँ। कमाल कमाल यार, बस छोड़ दें हम, अब नहीं रुकना, अब नहीं रुकना, बाद में बात करेंगे।